बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज अनुच्छेद लेखन पर ध्यान देने योग्य बातें बता रही हूँ। अनुच्छेद लेखन का तात्पर्य होता है पैराग्राफ राइटिंग, यानी किसी एक विषय पर बिना पैराग्राफ बदले, बिना अनुच्छेद बदले हुए आप अपने 80 से 150 शब्दों के अंतर्गत उस विषय पर अपना जो विचार व्यक्त करते हैं वो अनुच्छेद लेखन होता है, यानी कि निबंध का संक्षिप्त रूप। निबंध का संक्षिप्त रूप जो होता है वही अनुच्छेद लेखन होता है। निबंध में उसी विषय पर हम विचार विस्तार से व्यक्त करते हैं विचार, और अनुच्छेद में पैराग्राफ राइटिंग की तरह बिना पैराग्राफ चेंज किए हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो चूँकि अनुच्छेद लेखन आपके पाठ्यक्रम में है और कई बार पुस्तकों पर में से चर्चा की जा चुकी है, आज मैंने सोचा कि एक अनुच्छेद मैं आपको यहाँ लिखती हूँ और आप उसे उतारिए, ताकि आपको ये लगे कि अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है इसका ज्ञान हो। तो आज के लिए मैंने विषय जो चुना है पेड़ पौधे और हम। अब बच्चों ये देखिए कि पेड़ पौधे और हम, ये अगर मैं आपको लिखवाती हूँ तो ये अनुच्छेद आप कई तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर आपको आ जाए प्रदूषण की समस्या तो भी आप इस अनुच्छेद को लिख सकते हैं। यदि आपको आ जाता है वृक्ष लगाओ धरती बचाओ तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एक विषय मैं लिख रही हूँ, इसको परिवर्तित करके आप अलग अलग रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर शीर्षक बदल देंगे और लगभग विषय वही रहता है जो प्रदूषण में है, कि कैसे प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये सारा चीज, या वृक्ष लगाओ धरती बचाओ, प्रदूषण को कम करने के लिए कैसे वृक्षारोपण पर बल देना चाहिए, ये सारी चीज। तो ये तीनों निबंध आपके एक से दूसरा मिलता जुलता है, जिसको कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप एक अनुच्छेद लिखेंगे तो आपको साथ ही साथ कई सारे अनुच्छेद लिखना आ जाएगा। तो आज मैंने बहुत सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि आपको आज एक अनुच्छेद मैं लिखा देती हूँ, फिर आप उसी के आधार पर बाकी आपके व्याकरण के पुस्तक में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो आपके स्तर के अनुरूप है, आप उनको पढ़िए, अपनी कॉपियों पर लिखिए, याद करिए, तो आपको अनुच्छेद लेखन आ जाएगा। भाषा अच्छी होनी चाहिए, त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, मात्रा ज्ञान बढ़ाइए तो आपके अनुच्छेद को पूरा अंक मिल सकता है। तो मैं प्रारंभ करती हूँ आज आपको पेड़ पौधे और हम। तो आज के लिए मैंने विषय जो चुना है वो है पेड़ पौधे और हम। ये मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को करा रही हूँ और उसको मैं इसीलिए आज लिखने का मैंने निश्चय कर लिया कि आज मैं अनुच्छेद लिखूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए लिखना। तो आप भी प्रारंभ करिए, मैं थोड़ा रुक रुक के लिखूंगी। पेड़ पौधे हमारी धरती माँ के, पेड़ पौधे हमारी धरती माँ के श्रृंगार ही नहीं बल्कि जीवन का आधार जीवन का आधार है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना
इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों मुनियों प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों मुनियों और विचारकों ने और विचारकों ने हमारे ऋषियों मुनियों और विचारकों ने पेड़ पौधों के महत्व को समझा। पेड़ पौधों के महत्व को समझा। पेड़ पौधों के महत्व को समझा। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में वनों का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ पेड़ पौधों को लगाना, उनकी पूजा करना पेड़ पौधों को लगाना उनकी पूजा करना और वन महोत्सव की प्रथा पूजा करना और वन महोत्सव वन महोत्सव उनकी पूजा करना और वन महोत्सव की प्रथा प्राचीन काल से है। और इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। पेड़ों की पूजा अंधविश्वास नहीं है। पेड़ों की पूजा अंधविश्वास नहीं है।
क्योंकि क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इनसे हमें खाने के लिए फल छाया रोगों के निवारण के लिए जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होती है साथ ही साथ पेड़ों के सूख जाने पर जलाने मुझे लग रहा है अब आपको नहीं दिखेगा यहां तक लिखने के बाद इतनी ही चीजें आपको दिखेंगी तो मैं यहां से एक लाइन खींच दे रही हूं ताकि इसके नीचे ना लिखा जाए तो सूख जाने पर इसके ऊपर मैं भी लिखूंगी आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मैं एक मार्कर और ले लूं चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं किनारे हट रही हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अनुच्छेद लेखन करा रही हूं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं ऊपर के हिस्से को अब रब कर रही हूं और आप ऊपर से मैं दो दो लाइन रब कर रही हूं और आप दो दो लाइन इसका अगर ना उतारे हो तो उतारते रहिए साथ ही दोनों का काम चलता रहेगा तो मैं दो तीन लाइन ऊपर की रब कर रही हूं साथ ही पेड़ों के सूख जाने पर ईंधन का मतलब होता है जलाने के लिए लकड़ी ईंधन शुद्ध वातावरण इन्हीं वृक्षों के कारण हमें प्राप्त होता है चलिए दो दो लाइन साथ साथ लिखने पर आपका भी काम और मेरा भी काम चलता रहेगा आप मैं इसको बीच बीच में रब करूंगी आपसे बोल के कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं इसको रब करने जा रही हूं तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ लिखते भी रहिएगा तो मैं शुरू करती हूं आगे का हिस्सा फिर है पेड़ पौधे हमेशा हम पर उपकार करते हैं
पेड़ पौधे हमेशा हम पर उपकार करते हैं, वातावरण का संतुलन बनाए रखने में, वातावरण का वातावरण का संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। वातावरण का संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर सतह को मजबूत बनाती है जिससे भूकंप जैसी आपदा से भी बचा भूकंप जैसी आपदा से भी बचा जा सकता है भूकंप जैसी आपदा से भी बचा जा सकता है इनकी पत्तियां सूखकर मिट्टी में मिलकर धरती को उपजाऊ बनाती हैं। देखिए इस तरह से आप अगर अपने भाव को अव्यक्त करेंगे अनुच्छेद लेखन में तो उम्मीद है कि आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। एक अगर मैं लिखाऊंगी तो उसको देखकर आप बाकी भी लिखना सीख सकते हैं। तो आगे बढ़िए। इनके उपकार को मानना हमारा पहला कर्तव्य है, यानी इनके उपकार को मानना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए धरती बचाने के लिए
हमें वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ अभियान अभियान चलाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हट रही हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं किनारे हटी हूं, फिर मैं इसको रब करूंगी। अब मैं इसे मिटाने जा रही हूं। वृक्ष भी वृक्ष भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव वृक्ष भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव कर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वृक्षों के लगाने से, मैं धीरे धीरे लिख रही हूं कि आप साथ साथ लिखिए। वृक्षों को लगाने से धरती का सौंदर्य तो बढ़ेगा ही और वातावरण का शुद्धिकरण भी होगा। यानी हम वृक्ष लगाएंगे तो वातावरण का शुद्धिकरण भी हो जाएगा कि जो वातावरण अशुद्ध होता जा रहा है जहरीली गैसों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के वायु के माध्यम से, तो औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली जहरीली गैस वातावरण को दूषित कर रही है, इसका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण भी होगा और इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा क्योंकि पेड़ तो
हमारी प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान, प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है, वरदान है। अगर पेड़ है तो वर्षा होगी, अगर पेड़ है तो वर्षा होगी, पानी की समस्या भी नहीं होगी, पानी की समस्या भी नहीं होगी। पानी की समस्या भी नहीं होगी। ऑक्सीजन, प्राणवायु भी कहते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कहीं कहीं आपको साइंस का ये शब्द न मिलके उसके जगह प्राणवायु लिखा रहता है, प्राणवायु समझिएगा तो उसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन भी बना रहता है। यदि पेड़ों की कटाई रोककर वृक्षों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसों से भी हम बच सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं किनारे हट गई थी इसीलिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2-3 लाइनें और कंप्लीट करूंगी इसको, तो मैं ऊपर से रब कर रही हूं। चलिए मैं इसको कंप्लीट करने की ओर बढ़ रही हूं। हम बच सकते हैं, प्रगति की निरंतर दौड़ में
हम उद्योग धंधे दौड़ में हम उद्योग धंधे और उद्योग धंधे और फैक्ट्रियों की संख्या फैक्ट्रियों की संख्या निरंतर बढ़ा रहे हैं, मगर वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए जो कार्य हमें करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं, अतः अतः यह मानना चाहिए कि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। इसी के साथ मैं ये लेखन समाप्त कर रही हूं और उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते गए होंगे। तो मैंने एक अनुच्छेद लिखाकर आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि अगर आपको किसी विषय पर अनुच्छेद पूछा जाए तो आप उसमें जरूरत की सारी चीज समेटने की कोशिश करिए। इसी आधार पर आप प्रिय त्योहार, प्रिय पुस्तक, किसी नगर की यात्रा, समय का सदुपयोग, आज की टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, इन सब विषयों को पढ़ते रहिए ताकि कभी कोई विषय आ जाए तो आप उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।